हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि पुरुषों में बहुत ही समस्या पैदा हो रही है कि आपका पेनिस का साइज छोटा हो रहा है या पेनिस में सिकुड़नपन हो जा रहा है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसको कैसे ठीक करें, इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के समय में पुरुषों में यह सामान्य रोग हो चुका है कि लिंग का सिकुड़ना या लिंग का निष्क्रिय होना या वीर्यपात हो जाना, ये सब समस्या पुरुषों में सामान्य रूप से बहुत लोगों में देखा जा रहा है। तो आज हम इसी की होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें। अगर आप लगातार बहुत ज़्यादा दिनों से हस्ते मैथुन कर रहे हैं, उसके कारण अगर आपका लिंग छोटा हो गया है या निष्क्रिय हो गया या सिकुड़न पैन पैदा हुई हो, तो लाइकोपोडियम क्लेवेटम 1 mg डोज की 1 हफ्ते में 1 बार आप लीजिए। इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपके लिंग में जो है कि टाइटनेसपन, उसके साथ साथ सिकुड़न पैन की समस्या समाप्त हो जाएंगी। अगर आपका लिंग नेचुरली छोटा और सिकुड़नपन रहता है उसमें, तो आप एग्निसिया अमारा का यूज़ कीजिए। इसमें बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा और बहुत ही असरदार दवा है ये। अगर आपका लिंग एकदम से निष्क्रिय है और छोटा है, तो एग्नस कैक्टस बहुत ही अच्छा इफेक्ट करेगा। आप 30 पावर में इसको यूज कीजिएगा। उसके साथ साथ अगर आपको नाइटफॉल की समस्या है या उत्तेजना में कमी है, तो एग्नस कैक्टस उसमें भी बहुत ही अच्छा वर्क करता है। ये तीनों दवा होम्योपैथिक दवा है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आराम से आप इसको ले सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बहुत ही इफेक्ट इसमें इस दवा को लेने से देखा गया है। यह तीनों दवा आपके पेनिस के साइज को बढ़ाएगा, उसके साथ साथ जो कि उत्तेजना में कमी है या निष्क्रियता है उसको ख़त्म करेगा और आपके सेक्स लाइफ को मजबूत बनाएगा। ये तीनों दवा एक होम्योपैथिक दवा है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।